कोई व्यक्ति जब बुद्ध बनता है या बुद्ध बनेगा तो वो यही 8 मार्ग और 4 बातें, 4 आर्य सत्य सारी दुनिया में सबसे पहले किसी ना किसी को बताएगा। जैसा सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बाद में बोधि के नाम से जाना गया, बोधि मतलब हाईएस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज, उसके नाम से जाना गया, तो वहां से चलकर जब उन्होंने सबसे पहले अपना जानकारी जो उन्हें प्राप्त हुई थी, जो दी, उसको दुनिया का सबसे पहला धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धम्म नेचुरल एजुकेशन का चलना के नाम से जाना जाता है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा को हर साल आता है, पूरी दुनिया धूमधाम से मनाती है। उस समय भगवान बुद्ध ने पैदल चलकर, गया से पैदल चलकर और बनारस तक पहुंच के यानी सारनाथ इसी पत्तन मिगदाय तक पैदल चलकर अपने 5 पुराने साथियों को वो पहला ज्ञान दिया था। वो ज्ञान क्या है, उसको 8 अंग वाला ज्ञान बोलते हैं, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसके 8 अंग हैं, या आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, यानी 8 अंगों वाला मार्ग रास्ता, क्योंकि आष्टांगिक जो होता है वो संस्कृत भाषा में शब्द है, और 8 अंगिक यानी 8 अंगिक जो है वो पाली में पुरानी बुद्ध की भाषा में इसका नाम है। ये सारनाथ में जो इसी पत्तन मगदाय है उसके अंदर दिया गया था। बहुत छोटी छोटी सिंपल सी उन्होंने 4 बातें सबसे पहले बताई कि अर्य सच क्या है। अर्य का मतलब वो सच क्या है जो किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ और अर्य बना देता है। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का मार्ग है। ये 4 बातें अर्य सच में आती हैं। इसके अलावा कैसे दुख को दूर किया जाएगा, 8 बातें उन्होंने बड़ी साधारण सी बताई, जो बहुत ही ज्यादा साधारण है, मगर ये साधारण ज्ञान आपको असाधारण स्थिति में पहुंचा देता है। आपको अमृत का जो तत्व है, अमर तत्व जिसको बोलते हैं, या अमृत छकना बोलते हैं, या जो साल्वेशन है, या जो निब्बान है, या निर्वाण है, या जो मोक्ष है, या जो मोक्ष है, या जो मुक्ति है, या जीवन से सभी दुखों की जीते जी मुक्ति है, सुख का सागर है, वो प्राप्त करा देता है। पूरी दुनिया इसको 8 फोल्ड पाथ के नाम से जानती है, या अष्ट वक्र के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी को 8 मी करके यानी 8 मार्ग या 8 दिनों तक लगातार इसकी चर्चा और कथाएं पूरे समय में पहले होती थी। एक एक अंग की कथा एक एक दिन होती थी, तो 8 दिन तक होती थी, और 8वें दिन अष्टमी बोलते थे। कुछ इसको बाद में इसका लाभ उठाने के लिए 9वें दिन भी करते थे, तो कुछ लोग 8वीं करते हैं, कुछ लोग 9वीं करते हैं। जब इसका पाठ लगातार एक एक दिन आके जानकार लोग, कोई भाड़क या कोई भड़क या कोई भिक्कू या कोई भिक्कुणी आपके घर आके लगातार करता है, या पूरा मोहल्ला सामूहिक रूप से सुनता है, तो इसको 8वीं या 9वीं के रूप से जाना जाता है। इसको कथा भी बोलते हैं, अर्थकथा कुछ लोग बोलते हैं। अर्थकथा जो पाली में मतलब है वो अर्थ से होता है, मगर अर्थकथा का मतलब है 8 फोल्डों की या 8 बातों की कहानी जो वो सुनाते हैं, जो वो बताते हैं। मैं यहाँ आपको एक एक करके वो जो 8 बातें हैं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सरल और सिंपल है। बड़ी सिंपल सी है कि आपको सही तरह से बोलना कैसे है, आपको सही तरह से समाधि कैसे लगानी है, आपको सही तरह से जो अपनी जीविका है वो कैसे कमानी है, आपको सही काम कैसे करने हैं, आपका सही व्यायाम कैसा होता है, या आपका सही संकल्प कैसा होता है, या आपका सही जागृति जो आपकी माइंडफुलनेस है जिसको सती बोलते हैं वो कैसी होती है, या जो आपका सही तरीके से व्यवहार है या संकल्प है वो कैसा है। ये 8 बातें जिसमें एक सही दृष्टि भी आती है, सही तरह से देखना भी आता है। ये 8 छोटी छोटी बातें हैं, यानी सही तरह से देखना, सही तरह से संकल्प करना, सही तरह से बोलना, सही तरह से काम करना, सही तरह से रोजी रोटी कमानी, सही तरह से व्यायाम करना, सही तरह से माइंडफुलनेस यानी जागृति यानी देखना, समझना चीजों को, सही तरह से समाधि लगाना। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है सम्यक वाणी। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप
यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Gacchami.